2022 में मुस्लिम थे अब सपा के साथ में, अब कहाँ जाएगा मुसलमान? क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा? क्या क्यों जाएगा? निगम के चुनाव आ रहे हैं सर, 17 मई पार्लियामेंट के अंदर भी वो बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी के हक़ हो बोलते हैं, बहुत सही बात है, लेकिन संगठन जैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक, वो हम नहीं पाते। ऐसा लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए, बहुत प्रखर क्या कहते हैं मुखर नेता है, पार्लियामेंटेरियन अच्छे हैं, लेकिन जो बातें संगठन में होनी चाहिए संगठन नहीं पाते। मुखर होना गलती है क्या? जो नहीं कह रहे मुखर है, लेकिन नैरेटिव से काम नहीं चलता, नीचे काम करना पड़ता है, संगठन खड़ा करना पड़ता है, और संगठन खाली मुसलमान मुसलमान करने से नहीं बनेगा। किस चीज से दिक्कत है वैसी की? किस चीज से दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, अपना संगठन खड़ा करें। साथ जाएंगे क्या आप? संगठन देखेंगे, देखे साथ का मतलब ये होता है कि यहाँ तो डाइवर्सिटी है ना, 3100 संगठन हमारे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। लेकिन देश के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 80 करोड़ जनसंख्या को मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खिला रहा हूँ दोनों टाइम। पिताजी की आमदनी से खिला रहे हैं, वो जो पीएम केयर फंड बनाया था उसका हिसाब नहीं दिया। सबसे ज्यादा घपला इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का हुआ है, और अगर आप चंदा देना दे बीजेपी को, कांग्रेस को दे दे या किसी और को दे दे, तो आपका पुलिस पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है। आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं विपक्षी, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रही हैं? ये सबसे बड़ी बात है, अपने वोट को डकैती से बचाने के लिए जनता को सड़क पर उतारने की जरूरत है। लेकिन सर कांशीराम साहब की बात नहीं मानी ना, तो दलितों ने मानी ना ही मुस्लिम समाज ने मानी। मानी, आप गलत कह रहे हैं। कांशीराम जी पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पहले नौकरी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गणित मिल रही थी जी। हमने, मैं 21% मुसलमान कहता हूँ, 23% दलित है, कितने हो गए? 44%। अम्बेडकर आई, ओबीसी आ गए, सरकार बन गई। मायावती की गलतियों से मूवमेंट टूटित हो गया, अदरवाइज देश के प्रधानमंत्री बनते कांशीराम जी। लेकिन सर कांशीराम साहब का जब नारा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक चाहोगे अत्याचार? दलित मुस्लिम एक हुआ अभी तक? हुआ ना, होता तो कैसे सरकार बनती? अकेली सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते ही मायावती ने 110 मुसलमानों को आतंकवादी करके जेल भेज दिया, और हमें 5 साल हमारे वफद को मिलने का टाइम नहीं दिया। तब हमें सहकारिता भवन लखनऊ में आंदोलन करना पड़ा सपा का साथ, और निमेश कमीशन बना। निमेश कमीशन ने लिखा कि ब्रजलाल ने, नाम का दलित था, और सीपी पाठक ने मिल करके मुसलमानों को आतंकी बनाने वाने के लिए, और क्या नाम है, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को आतंकी बनाने के लिए गिरफ्तारी की और बाराबंकी में बेगुनाहों को मारा, लिख दिया है निमेश ने, जस्टिस निमेश ने। मायावती कभी नहीं आएंगे, लेकिन अखिलेश ने भी न्याय नहीं किया, रिपोर्ट आ गई, विधानसभा में पेश हो गई। मुस्लिम नेता सभा बसपा की तरफ जा रहे हैं सर इस बार यूपी में? हमें नहीं लगता, इमरान मसूद है, बाकी बहुत से नेता हैं, इमरान मसूद जा रहे हैं। सपा के साथ गए थे सर, सर सपा के साथ गए थे मुस्लिम यूपी में अखिलेश जी के साथ में, लेकिन अखिलेश जी आजम के पास नहीं गए एक बार भी? आजम खान के साथ जाती हुई है, अखिलेश के अंदर वो बहादुरी का जज्बा नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन जनता देखे खड़ी होगी तो अखिलेश भी पीछे पीछे जनता के चलेंगे। सर मुस्लिम समाज कांग्रेस मायावती को नहीं पसंद कर रही है, अखिलेश को नहीं पसंद कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पसंद, किसको पसंद कर रही है? देखिए ऐसा है, ये रिलेटिव टर्म है, मुसलमान भटका हुआ नहीं, मुसलमान की दिशा तय है कि जो देश का नंबर एक का दुश्मन है उसको हराना है। देख रहे हैं आप, जो हरा रहा होता है उस साथ खड़ा हो, लेकिन किसके साथ है? जिसको देखिए, ये इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, ये चुनावी रणनीति की बात कर रहे हैं, चुनावी रणनीति से थोड़ा पहले काम करने का होता है। हमने अभी जो बातें कही कि दो देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा एक संगठन, एकता बननी चाहिए, एकता बन रही है। हम लोग 1 मार्च को रविंद्रालय लखनऊ से एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं लखनऊ। सर पसमानदा मुसलमान का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पसमानदा मुसलमान? मोदी जी गुमराह कर रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को। प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की तो कुर्सी ये होती है कि जो निर्णय है उस पर क्रियान्वयन करो। भाई जब पसमानदा मुसलमानों को चिन्हित किया जा चुका है मंडल आयोग के द्वारा कि रंगरेज है, मनिहार है, कुरेशी खसाब है, ये सब पिछड़े हैं, इनको आरक्षण दिया जाए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो आरक्षण तो दे नहीं रहे सर, झूठ बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सर गुजरात में बनी थी, उसका बैन बंद कर दिया फिलहाल। वो बैन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बैन तो नहीं किया, बंद कर दिया है, क्रैक डाउन किया है हमारी सरकार ने। केरला में हम सरकार में है, हमारी सरकार ने हर बस्ती में दिखाई है डॉक्यूमेंट्री, और हम जहाँ सरकार बनाएंगे बहुजनों की, वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी।
अभी तो विदेशी साजिश है, विदेशी मीडिया की साजिश है। देश कहो ना, आप कहो कि ये बात साजिश का हिस्सा है, ये बात साजिश का हिस्सा, कहो ना, क्या ये बात सही नहीं है? सर अडानी तीसरे नंबर से साथियों पर आ गए। बिल्किस की बेटी को मार दिया गया, उसका रेप किया गया, ये क्या सही नहीं है? ये साजिश थी अडानी सर तीसरे से सातवें नंबर पर आ गए। लोग करें पैसा डूब गया देश का, 11 रुपए आ गए, इतने लाख करोड़ डॉलर मालूम आपको कहाँ डूबा है मालूम नहीं आपको? अरे आप लोग की तो अपील तो बता रहे हो, गोदी मीडिया तो बता नहीं रही है। आपके मीडिया से पता चला कि लाखों करोड़ रुपया डुबो दिया, बैंक बैंकरप्ट हो गए, हम दो हमारे दो नरेंद्र मोदी अमित शाह अडानी अंबानी के चक्कर में हमारा नौजवान बेकार हो गया बेचारा। हाँ सर मंदिर बन रहा है, मजे से वोट मिल रहा है। अच्छा मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या? हाँ विप्रो को मिल जाएगा मंदिर बनने से, अगर आप लोगों को मिले तो हमारी खुशी होगी। सर कह रहे हैं कि अडानी का नुकसान हुआ, अगर हजारों करोड़ का नुकसान बैंक का हुआ, अडानी के पिता ने छपवाए थे नोट, क्या रिजर्व बैंक के अंडर में है क्या? देश का नुकसान हुआ, देश के बैंक करप्ट हुए, जो पैसा डूबा है वो हमारे देश का डूबा है, अडानी अंबानी का क्या? बिल्किस बानो के आरोपी छोड़े गए थे तो सरकार ने कहा था कि जो ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, तो पूछो ज्ञान प्रवीणा, उनकी तो मान्यता ही यही है, तो कहेंगे ही, खुद यही कहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज हो गया, चंद्रशेखर यादव पर भी होना चाहिए, संघर्ष करेंगे हम पे भी मुकदमे, हमारे पे तीन चल रहे हैं मुकदमे, ये क्या बात है? मुकदमा तो होगा, क्या बोलना जुर्म हो गया आज का? आज के जमाने में जालिम जब हुकूमत पे होता है तो मजलूम को जालिम साबित करता है, मुजरिम साबित करता है। डंका बजा सामने, ये सामने डंका का कैदी बज रहा है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मीडिया को फेस करें। हर हर मोदी घर घर मोदी नारे दिए जाते हैं, हाँ दिए गए थे, हमें हिंदू होने पे गर्व है, नारे दिए जाते हैं सर। अब अगर हमारे भारतीयों को अगर इनके तथाकथित हिंदू होने पे गर्व है तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मुझे आश्चर्य होता है, ये सिर्फ अपने वोट के लिए हिंदू सबको कहते हैं, बाकी सर एक साल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की काट क्या है आप विपक्ष के पास में, और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, हाँ, कैसे जीतोगे आप उनसे? हमारी एकता है, सामाजिक एकता है, हिंदू कब चुप कर रहे हैं? 15% होंगे हिंदू मजबूत हो रहे हैं सर, गोबरा विभूषण होंगे, हिंदू मजबूत होना चाहिए, मुसलमान टाइट के जा रहे हैं ऐसा कहते हैं हिंदूवादी, कोई बात नहीं, हम तो हमेशा टाइट होते रहे, हम तो टाइट होने के लिए है, हमें इसकी चिंता नहीं, देश बचे हम सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार है, हमें जो चाहे करे, देश बचे, संविधान बचे हमारा, हमारी बहुजन समाज का हित हो इसके लिए हम कृत संकल्प है। ठीक सर, संघ के नेता फिर मुसलमानों मुस्लिम मुलाओं से मिल रहे हैं सर फिर से? हमारे घर कोई आता तो मिलेंगे, तो मिलने से क्या होता, देखिए हम तो काट नहीं सकते, क्या पसमानदा को कुछ मिलेगा प्रॉफिट देश में? अरे भाई मक्कार कहाँ देते हैं, झूठे कहाँ देते हैं, मैंने कहा ना, लेकिन आप तो उनको बताते हैं राष्ट्रपिता नया देश का, कौन कहता जो मौलाना बोले, वो ही लियासी बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, उसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के दरबारी था, और बेटा भी दरबारी है।